कटनी जिला जेल में बंद एक कैदी की मौत हो गई। वहीं कैदी की मौत की खबर लगते ही सुबह कैदी के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और जेल पुलिस पर आरोप लगाया कि कैदी की जेल के अंदर हत्या की गई है। दरअसल कटनी जिले के कैमोर थाना क्षेत्र निवासी मृतक कैदी का नाम धर्मेंद्र पटेल बताया जा रहा है, जिससे 9 माह पहले 376 और अन्य धाराओं के तहत जेल में बंद किया गया था। लेकिन शुक्रवार शाम अचानक धर्मेंद्र को जिला जेल से पुलिस मूर्छित अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां के डॉक्टर ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद जेल पुलिस ने देर रात परिजनों को धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने व जिला अस्पताल पहुंचने की सूचना दी। और जैसे ही परिजन जिला अस्पताल पहुंचे तो उन्हें धर्मेंद्र की मौत की जानकारी लगती है, जिसके बाद से ही परिजन आक्रोशित हो गए और उन्होंने आरोप लगाया कि वे 9 माह पहले ही कैमोर पुलिस के हवाले धर्मेंद्र पटेल कर गए थे और वह पिछले 9 माह से कटनी जेल में बंद है। लेकिन जेल की पुलिस शुक्रवार की रात धर्मेंद्र की मौत के बाद भी परिजनों को सिर्फ तबीयत खराब होने की सूचना देती रही। इससे यह प्रतीत होता है कि धर्मेंद्र पटेल की जेल के अंदर हत्या कर दी गई है। आज यहाँ पर भीड़ लगी जिला अस्पताल, क्या कारण है सर? कि मेरे भाई धर्मेंद्र पटेल की डेथ हो गई है, जेल में थे वो पिछले 1 साल से, और अचानक ये लोग गए हैं, पुलिस अधिकारी 4 बजे गए हैं तो भाभी से कोरे कागज में, घर में कोई नहीं था तो भाभी से कोरे कागज में साइन करवा ले आए हैं। फिर उसके बाद 9:30 बजे जाके बोलते हैं कि तुम्हारे भाई की बहुत नाइट में तुम्हारे भाई की बहुत तबीयत ख़राब है, तो चलिए तो थोड़ा बहुत सेवा कर लीजिए। तो जब हम यहाँ आते थे मिलने, तो अभी मैं 13 तारीख को मिला हूँ। 13 तारीख को मेरे को बताया कि मेरे को इस समय बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते, पिछले 6 महीने से उनको टॉर्चर कर रहे हैं। फिर मैं 14 तारीख को घर से फ़ोन लगाया, तब भी बोले कि मेरे को कहीं का जब जाने लगेंगे तब भी मेरे को निकलवाओगे नहीं, वो ऐसे ना निकलवाओगे क्या? मैं कहा सब्र कर लो थोड़ी सी, बस तुमको निकलवा नहीं आए। फिर उसके कारण से मैं सोचा कि डर के मारे वकील साहब से अपने बोला कि रिपोर्ट लिखवा दो उसमें न्यायालय में, कि 2-4 दिन के लिए अगर इनका मन दूसरा हो जाए तो ट्रीटमेंट के लिए भेज दें यहाँ अस्पताल में। तो अपने वकील साहब ने बना के आवेदन दिया था, जिसके कारण से यहाँ भर्ती कराए हैं। लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं, ना हमको जानकारी जिला से जेल से दिए कि आपका भाई बीमार है कि नहीं बीमार है, कितने दिन यहाँ रखे, क्या उसके साथ हुई है आपके भाई की? मृत्यु कल 5:30 बजे हुई है सर। कहाँ पर बता? तो यहाँ ही रहे जिला अस्पताल में, लेकिन यहाँ नहीं हुई सर, जेल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ सिर्फ शो करने के लिए लाए, बाकी यहाँ नहीं हुआ। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह पटेल। आप कौन हैं? मैं उसका छोटा भाई। जिला जेल कटनी से सूचना प्राप्त हुई कि एक बंदी जो थाना कैमोर के अपराध के मांग 273/20 धारा 376 306 454 IPC के मामले में जिला जेल कटनी में निरुद्ध था, जिसकी जो काफ़ी बीमार हो गया था, जिसे कल दिनांक 17/9/2021 को जिला अस्पताल कटनी में उपचार हेतु शाम करीब 5:30 बजे भर्ती कराया गया था, जो ठीक ना होकर उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर अस्पताल पुलिस चौकी में मर्ग जीरो की कायमी की गई, कायमी उपरांत वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, साथ ही मजिस्ट्रेट महोदय उन्हें भी सूचना दी गई, तहसीलदार महोदय को भी सूचना दी गई, जिनके द्वारा शव का निरीक्षण किया गया और अभी उसका मृतक का PM किया जा रहा है। जिसकी मृतक हुई उसका क्या नाम है सर? मृतक का नाम है धर्मेंद्र उर्फ धर्मू पटेल, पिता स्वर्गीय रामबक्स पटेल, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम चरी थाना कैमूर कटनी का रहने वाला है। और आपका क्या नाम है? मैं ASI रजेश भदौरिया, पुलिस चौकी झिंझरी, थाना माधवनगर से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।